बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो? जुमातिन हम अपनी उर्दू की किताब निकालें और सबक दस्तक। बच्चों सफ़ा नंबर 58 निकालें। आज हम ड्रामा दस्तक में जो सबक रह गया था वो पढ़ेंगे। अपनी किताब की तरफ देखें। बुरहान, सिरप ख़त्म हो गया है, कल आऊँगा तो ले आऊँगा। जैदी, तो आप चले? बुरहान, जी हाँ। बेगम, दूसरे कमरे से डॉक्टर साहब। बुरहान, जी। बेगम, ज़रा ठहरिए। बुरहान, मुझे जल्दी है ज़रा। बेगम, बस एक दो मिनट चाय ला रही हूँ। बुरहान, ओहो आपने क्यों तकलीफ़ की? बेगम आती है। बेगम, आप भी तो सर्दी में आए हैं, बरसाती उतार दीजिए। बुरहान बरसाती उतार कर कुर्सी के बाजू पर फैला देते हैं। बेगम चली जाती है। सैदी, बैठ जाइए। बुरहान कुर्सी पर बैठ जाते हैं। बुरहान, और तो कोई तकलीफ नहीं? बेगम ट्रे में चाय की 3 प्यालियाँ लेकर आती हैं। बेगम, मैं बताती हूँ डॉक्टर साहब। ट्रे बुरहान की तरफ बढ़ाती है, वो एक प्याली उठा लेते हैं। बेगम दूसरी प्याली शोहर को और तीसरी प्याली अपनी दाएं हाथ में लेकर खाली ट्रे झुक कर मेज़ के साथ लगा देती है। बुरहान गूंट लेकर, आप क्या बता रही थी? दूसरे पेज की तरफ। बेगम, डॉक्टर साहब ये बताती हुई मुझे कुछ अजीब सा एहसास होता है, शायद आप इस पर यकीन ना करें। मगर शोहर की तरफ देखती है तो जो निगाहें झुकाए चाय पीने में मसरूफ़ है। बुरहान, फरमाइए तो। बेगम, उन्हें एक वहम हो गया है। बुरहान, वहम? बेगम मुस्कुराकर, आप कहेंगे डॉक्टर और वहम, ये क्या बात हुई? बुरहान, जी मैं नहीं कहूँगा, मैं जानता हूँ इंसानी फितरत बड़ी पुरेसरार होती है और डॉक्टर भी तो एक इंसान ही होता है। बेगम एक बार फिर शोहर को देखती है, वो बदस्तूर चाय पीने में मसरूफ़ है। बेगम, चाय पीजिए ना। बुरहान, बेहतर। बुरहान प्याली होंठों से लगा लेती है, बेगम भी चाय पीती हैं। बेगम, पता नहीं क्या बात है, बैठे बैठे ख्याल करने लगते हैं कि दरवाजे पर दस्तक हो रही है, हालांकि दरवाजे पर कोई भी नहीं होता। बुरहान, हो सकता है किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी हो और अपनी ना सुनी हो। बेगम, दस्तक होती ही नहीं है, मैं कैसे मान लूँ? बुरहान, यानी दस्तक नहीं होती और डॉक्टर साहब महसूस करते कि दस्तक हो रही है। बेगम, जी हाँ। बुरहान चाय की 2 घूंट लेकर जैदी की तरफ देखते हैं। जैदी ने प्याली खाली कर दी है। बेगम हाथ बढ़ाकर प्याली ले लेती है और मेज़ पर रख देती है। जैदी ने अपना सर दीवार से लगा दिया और आंखें बंद की लेटे हैं। बुरहान, नींद आ रही है डॉक्टर साहब? जैदी, आंखें खोले बगैर जी नहीं। बेगम, आज उन्हें बार बार यह ख्याल आता है, मैंने कहा भी कि बाहर तेज़ हवा चल रही है, इसकी वजह से ये शोर हो रहा है, मगर मानती ही नहीं है, 2 मरतबा मुझे दरवाजे पर भेजा है। बुरहान, और वहाँ कोई नहीं था? बेगम, कोई भी नहीं। बुरहान, अच्छा। बेगम, आप इनसे पूछिए। जैदी आंखें खोल देती है। जैदी, बुरहान बेटा। बुरहान, कहिए। जैदी, ये आज से 18-20 बरस पहले का वाकया है। इस ज़माने में मेरी प्रैक्टिस खूब चलती थी, सर को जाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी, डिस्पेंसरी और घर पर मरीजों का तांता बंदा रहता था। एक रात मैं देर से घर पहुंचा और पहुंचते ही बिस्तर पर गिर पड़ा, बुरी तरह तक चुका था। बुरहान प्याली मेज़ पर रख देती है। बेगम प्याली हाथ में लिए गौर से देख रही है। कुछ देर बाद मेरे नौकर ने आकर बताया कि कोई बड़े मियाँ आए हैं और आपको साथ ले जाना चाहते हैं। मैंने इनकार कर दिया और नौकर से कहा कि बड़ी मियाँ को वापस भेज दो, मगर इसके रोकने के बावजूद वो बूढ़ा मेरे कमरे में आ गया और मिन्नत समाजत करने लगा कि मेरा बेटा सख्त बीमार है, पहले भी आपकी दवा से शिफा हुई थी, चल कर देख ले, मगर मेरी आंखें बंद हुई जा रही थी। जैदी 2-3 लम्हों के लिए खामोश रहते हैं, फिर कहने लगते, गर्म बिस्तर छोड़ना मुश्किल महसूस हो रहा था। मैंने सख्ती से इनकार कर दिया, वो बोलता रहा और जब नौकर ने उसे ज़बरदस्ती बाहर निकाल दिया तो दरवाजे पर दस्तक देने लगा।
न जाने कब तक दस्तक देता रहा मैं सो गया। जैदी पीर खामोश हो जाते हैं, बेगम की निगाहें अपने शोहर पर जमी हैं और बुरहान में से दवाई के एक शीशी उठाकर उसे देख रही है। सुबह उठा तो तबीयत पर बड़ा बोझ था, अफसोस कर रहा था कि मैंने बूढ़ी को क्यों मायूस किया। बुरहान, इस वक्त आपका ज़मीर बेदार हो गया था। जैदी, बस यही बात थी, मैंने इस बूढ़ी को ढूंढने की कोशिश भी की मगर कहीं पता ना चला, न जाने वो कौन था। बुरहान, वो बूढ़ा तो चला गया मगर अब कभी कभी आपका ज़मीर दरवाजे पर दस्तक देता रहता है। बुरहान, बोतल मेज पर रख देता है, ये दवा आज ख़त्म हो जानी चाहिए थी। जैदी खामोश रहते हैं। बुरहान बरसाती उठा कर पहन लेते हैं और बैग उठा कर जैदी की तरफ देखते हैं। डॉक्टर साहब, जैदी, कहो बेटा। बुरहान, इस वाक़े में एक बात का इजाफा कर लीजिए, मैं उन्हें बड़ी मियाँ का पोता हूँ जिसका बेटा इस रात एड़िया रगड़ रगड़ कर मर रहा था। जैदी, तुम? बेगम, बुरहान बेटा। बुरहान, अच्छा, खुदा हाफिज़। डॉक्टर साहब, इत्मीनान के साथ सो जाइए, अब दरवाजे पर दस्तक नहीं होनी चाहिए, आराम कीजिए, शब बखैर, कल हाजिर होऊंगा। बुरहान दरवाजे की तरफ बढ़ता है और जल्दी से पर्दे के पीछे गायब हो जाता है। जैदी और बेगम खामोशी से देखते रहते हैं। बुरहान के पर्दे के पीछे जाते ही पर्दा गिरता है, यह है पसे पर्दा। यानी इंसान को चाहिए कि अगर दूसरा, मतलब वो एक डॉक्टर था, उसी चाहिए था कि वो उसी वक्त उनके साथ जाके उनके इलाज करते था, लेकिन शायद वो ज़्यादा थक चुका था और इस थकान की वजह से वो अपनी बिस्तर नहीं छोड़ना चाहता था। इस वजह से उसे अब ज़मीर की, यानी उसका ज़मीर उसे अभी मलामत कर रहा था, इस वजह से उन्हें दस्तक की आवाज़ सुनाई दे रही थी। यानी इंसान को अपनी ज़मीर की बात सुननी चाहिए, यानी जब इंसान कभी गलत काम करता है तो इंसान, यानी इसका ज़मीर उसे कहता है कि ये काम जो है ये गलत है, ये ना करे, लेकिन इसके बावजूद वो काम वो कर भी लेता है, लेकिन फिर भी उसका ज़मीर उसे माफ़ी मांगने पर मजबूर कर देता है। हम रोज़ाना कई गलतियां कर लेते हैं। तो हमें चाहिए कि हम रात को सोने से पहले अपनी गलतियों को याद करके अल्लाह से माफ़ी मांगे। अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। बच्चों, मुश्किल अल्फाज के मानों की तरफ देखें, यकायक, अचानक, फौरन, ताहम, फिर भी, नकाहत, कमज़ोरी, नागा, तौकफ, वक्फा या छुट्टी, टिकटिकी बांध कर देखना, बड़े गौर से देखना या पलक झपक के बगैर देखना, इसरार करना, ज़ोर देकर बात करना या बार बार कहना। बच्चों, ये आप लोग अपनी नोटबुक में लिख कर याद करें। आज के लिए इतना काफ़ी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।